इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। रामटेक महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक छोटा सा शहर है जो कई कारणों से जाना जाता है। ये न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है बल्कि अपनी भव्यता और विशाल झील की वजह से यह पर्यटक स्थल भी है। रामटेक वकाटका शासकों की राजधानी का हिस्सा हुआ करता था। वकाटका शासकों ने 285 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दक्षिण मध्य भारत पर शासन किया था। वे गुप्ता शासकों के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभा देवी का जब वकाटका के राजा रुद्रसेन से विवाह हो रहा था तब कालिदास को नागार्जुन भेजा गया था जो वकाटका की राजधानी थी। विवाह के फौरन बाद रुद्रसेन का देहांत हो गया। वे अपने पीछे अपनी पत्नी तथा 4 बच्चे छोड़ गए थे। पति की मृत्यु के बाद प्रभादेवी ने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। रामटेक को एक धार्मिक केंद्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहा जाता है कि कालिदास ने रामटेक की इसी पहाड़ी पर बैठकर मेघदूत की रचना की थी। मेघदूत एक यज्ञ की व्यथा की कहानी है। इस कहानी में यज्ञ को कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है और यज्ञ पर्वत के शिखर पर अकेला बैठा अपनी प्रेमिका को याद करता है। बरखा ऋतु के आते ही एक बादल पर्वत के शिखर पर पहुंचता है। यज्ञ उसे कहता है कि वह हिमालय स्थित नगर अलका में उसकी प्रेमिका को एक संदेश पहुंचा दे। मेघदूत एक ऐसी काव्य रचना है जिसका नाजुक रोमानी विषय और कामुक कल्पना पाठक को मंत्रमुग्ध कर देती है। कालिदास को संस्कृत का सबसे महान कवि माना जाता है। रामटेक मंदिर के पास कालिदास स्मारक में अंकित की गई पूरी मेघदूत कविता देखी जा सकती है। यहाँ शकुंतला को उनके हिरण और यज्ञ को बादलों को निहारते भी देखा जा सकता है जो वाकई अद्भुत है। सरकार ने रामटेक में ये केंद्र स्थापित किया है जहाँ कालिदास की रचनाएं और धरोहर रखी हुई हैं। बारिश के महीने में आषाढ़ के पहले दिन साहित्य प्रेमी कालिदास स्मारक में जमा होकर इस महान कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह स्मारक रामगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस बात की संभावना बताई जाती है कि दिव्य धार्मिक वातावरण, शांति, विशाल झील, घने जंगल और हरी भरी घाटियों की वजह से कालिदास रामटेक अक्सर आते रहे होंगे और यही उन्हें अपनी कविता मेघदूत को रचने का विचार आया होगा। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम ने यहीं सम्बुक संहार किया था। रामटेक के पुराने नाम सिंदूरगिरी और टापेगिरी हुआ करते थे। इन नामों का उल्लेख 14वीं शताब्दी के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में मिलता है। उत्तर पूर्व नागपुर से 54 किलोमीटर दूर स्थित आज रामटेक एक छोटा सा शहर है। वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। ये शहर आज भी प्रेम, साहस और साहित्य को अपने में संजोए हुए है।